आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार दिल्ली के लिए पूरे राज्य का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है, उसे आधा राज्य क्यों कर रखा है, इसे पूरा कर दो। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, मैं चैलेंज करता हूं, इस इलाके में बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जिस दिन यह स्कूल बन जाएगा एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर में उन प्राइवेट स्कूलों का भी लगा लेना। अगर यह सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा बेहतर ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 75 साल से बाबा साहब अंबेडकर का सपना अधूरा है। उन्होंने कहा, मैंने भी कसम खाई है कि बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। चारों तरफ इतनी महंगाई हो गई है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बीजेपी वालों ने, केंद्र सरकार ने पूरे देश में सर्वे सर्वा उन्होंने जो किया है पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, दिल्ली में महिलाओं का बस में सफर करना मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, इसलिए दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे काम करने में इन्होंने इतनी अड़चन लगाई है, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली आधा राज्य है। मैंने कहा, दिल्ली को आधा राज्य क्यों कर रखा है, इसे पूरा कर दो। आपको बता दें, कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, उन्होंने कहा। मैंने कहा, राज्य को तो पूरा कर दो, लेकिन करेंगे नहीं, ये काम करना जानते नहीं है, हर काम में टांग अड़ाते हैं और काम करने देते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ अच्छा काम करो, तुम भी करो, मुझे भी करने दो, मिलकर काम करेंगे। वही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी सरकार ने आप लोगों के लिए एक भी काम किया है, ना खुद करेंगे और ना मुझे करने देंगे। मेरे पीछे सारी एजेंसियां उन्होंने छोड़ दी है, जैसे देश का बुरा डाकू और सबसे बड़ा डाकू और सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जितने समन भेजेंगे मैं उतने स्कूल बनाऊंगा, मुझे अपना धर्म करने दो और मैं अपना धर्म करूंगा। तुम्हारा धर्म फर्जी है, तुम तुम्हें झूठ कैसे बोलना है, तुम्हें नेगेटिविटी कैसे फैलानी है, तुम सारे नेगेटिव काम करो, धर्म को मिलाकर चलो, जबकि मेरा काम है स्कूल बनाना, लोगों का अच्छा इलाज देना और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। यह गुडविल मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से इन गुंडों के सामने किसी भी तरीके से नहीं झुकने वाला। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें हो सकता है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की नावड़े बीजेपी की बढ़ती हुई, क्योंकि बीजेपी की जो लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जा रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में देखना होगा कि किसकी जीत हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।